बॉलीवुड में फिल्में और गाने लिखने वाले, लेखक, गीतकार और बेबाकी से पक्ष रखने वाले जावेद अख्तर की मुश्किलें अब बढ़ गई है। जावेद अख्तर लगातार अपने बयानों के चलते विवादों से घिरे रहते हैं। बॉलीवुड फिल्मों के लेखक और गीतकार जावेद अख्तर की अपने एक बयान की वजह से मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। मुलुंड पुलिस ने गीतकार जावेद अख्तर के खिलाफ आरएसएस की तालिबान से तुलना करने वाले कथित बयान के लिए एक गैर संज्ञेय अपराध दर्ज किया है। शिकायत एक वकील ने की थी। बता दें कि 23 सितंबर को जावेद अख्तर के खिलाफ मुंबई के एक वकील गीतकार द्वारा कथित तौर पर आरएसएस के खिलाफ झूठी और मानहानिकारक टिप्पणी करने के लिए कानूनी नोटिस भेजा था। एक अन्य अधिवक्ता ने आपराधिक मानहानि शुरू करने की शिकायत दर्ज कर 100 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की थी। इसी मामले में अब मुंबई पुलिस ने केस दर्ज किया है। वकील और आरएसएस कार्यकर्ता धृतिमान जोशी ने जावेद अख्तर के खिलाफ आपराधिक मानहानि शुरू करने की शिकायत के साथ कोल्डा मजिस्ट्रेट अदालत का दरवाजा खटखटाया था। वकील ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि जावेद अख्तर ने दावा किया कि आरएसएस एक ऐसा कैंसर बन गया है जो समाज में फैल गया है। वकील ने कहा कि जावेद अख्तर के बयान सुनियोजित और सुविचारित थे जो आरएसएस को बदनाम करने के लिए और उन लोगों को हतोत्साहित करने, अपमानित करने और गुमराह करने के लिए तैयार किए गए थे, जो आरएसएस में शामिल हो गए हैं या शामिल होना चाहते हैं। जोशी की याचिका पर 30 अक्टूबर को कुर्ला मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई होगी। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने के बाद एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में जावेद अख्तर ने आरएसएस की तुलना तालिबान से कर दी थी। संतोष दुबे ने कहा कि मैंने जावेद अख्तर को पहले नोटिस भेजा था और उनसे अपने कमेंट पर माफी मांगने की बात की थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब मेरी शिकायत पर उनके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।